रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो लेसन अब्बास राइट कर रहे हैं उसमें से हम वर्ब करेंगे। और आपको पता है वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है। अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट द नाउन इज डूइंग, इट इज एन एक्शन वर्ड, वो लफ्ज जिससे अमल जाहिर हो। एग्जाम्पल, द गर्ल इज रीडिंग। अ वर्ब इज वर्ड अबाउट समथिंग यू डू, जिसके जो बता कुछ करने का बताता है, लाइक kick or cry, run or chew. A verb tells you when an action occurred. Today I draw, yesterday I drew. So Sara is sitting on a bench. Sara एक बेंच के ऊपर बैठी है, उसका बैठना बता रहा है। अब इसको आपने खुद फिल करना है। आमना इज डैश अ चॉकलेट। आमना क्या कर रही है? आमना इज ईटिंग अ चॉकलेट। आमना चॉकलेट खा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रेंजर इज डैश जूस। स्ट्रेंजर क्या कर रहा है? जूस को जो पीने को क्या कहते हैं? शाबाश, ड्रिंक। द स्ट्रेंजर इज ड्रिंकिंग जूस। जो स्ट्रेंजर है, अजनबी है, वो जूस पी रहा है। फादर इज क्या? बच्चों के फादर उनको बिठा के क्या करने गए थे? बाय। फादर इज बाइंग टिकट्स, उनके लिए टिकट खरीद रहा है। तो अब हम कुछ व्हाट यू लाइक एंड डोंट लाइक। आई लाइक रनिंग, मुझे रनिंग पसंद है। रनिंग कहते हैं दौड़ने को। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये बॉडी को मजबूत करती है, जॉइंट्स के लिए अच्छी है, लंग्स के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, इसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है और कॉन्फिडेंस में। आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। बच्चों को पेंटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट इनकरेजेस चिल्ड्रन टू थिंक, डेवलपिंग स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस एज दे गो। द वर्ल्ड इज़ बट अ कैनवस टू द इमेजिनेशन। तो प्यारे बच्चों, जितना अपना सोचोगे कि आगे क्या बनना है, जितनी आपकी तसव्वुर में बड़ा बनना होगा, ये दुनिया आपके लिए लाइफ का कैनवस, आप जो कुछ मर्जी इसके ऊपर पेंट करें। आई लाइक राइडिंग अ बस, मुझे बस में सफ़र करना पसंद है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग। तो जिंदगी में मौके आते रहते हैं। आई डोंट लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे जो है वो म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। म्यूजिक इज द एल्कोहल ऑफ द सोल, ये रूह के लिए ऐसा ही है जैसे जिसम के लिए शराब, इब्ने तैयमा तैमिया का कहना है। आई डोंट लाइक गेटिंग डर्टी, मुझे गंदा रहना पसंद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ईमान है, क्लेंलीनेस इज हाफ ऑफ बिलीफ, ये हदीस है, सफाई निस्फ ईमान है। तो हमें इट्स कूल टू बी क्लीन, हमें अपने जिस्म को साफ रखना है, अपने दिल को अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरना है, अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। हमेशा डस्टबिन में गार्बेज डालें और अपनी सोचों को अच्छा रखें ताकि आपका दिमाग भी ठीक रहे। आई लाइक वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखना अच्छा लगता है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि बच्चों को एक या दो घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। टीवी देखने से सेहत भी ख़राब होती है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, इससे बर्बाद होती हैं चीज़ें, और बंदा जो है वो दिमाग भी उसका कम कुंद ज़हन हो जाता है। आई लाइक ड्रिंकिंग टी, मुझे टी पीना पसंद है। कैसी चाय? अगर आपको फ्लू हो जाए तो आप ग्रीन टी के कप में जिंजर यानी अदरक, लीमू और शहद डाल के पिए, इससे फ्लू को बहुत अफाका होगा। तो ये हमें सर्दियों में या जब भी फ्लू लगे पीनी चाहिए। आई डोंट लाइक स्क्रीमिंग, हम पहले पढ़ चुके हैं, स्क्रीमिंग शाउट करने को कहते हैं, लेकिन समटाइम्स स्क्रीमिंग इज बैड फॉर योर वॉइस, बट समटाइम्स इट्स गुड फॉर द हार्ट। बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो चिल्लाकर अपनी आमद का इजहार करता है। आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना बनाना पसंद है। वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू ईट रियल फूड, नो फास्ट फूड्स, नो जंक फूड, नो प्रोसेस फूड्स, जस्ट ऑनेस्ट न्यूट्रिशियस रियल फूड। ये जो कलर्ड फूड है और बाजार की खुराक है, ये नहीं खानी चाहिए बच्चों को। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। और किताबें जो हैं आपको घर बैठे दुनिया के दूर मकामात की सैर करवाती हैं। द मोर दैट यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर दैट यू लर्न द मोर प्लेसेस यू शैल गो। आप जितना पढ़ोगे उतना नई चीज़ों को जानोगे, जितना नई चीज़ों को जानोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और उतनी प्लेसेस पे जाओगे।
So books are our best friends. ये मालूमात देती हैं, हदायत देती हैं, खुशी देती हैं और हमें माला माल करती हैं. तो बेहतरीन किताब है कुरान मजीद. इसको रोज़ पढ़ने की आदत डाल लो. ये हदायत भी देती है. तो stop, think, act and review. Star का सोचो. जब भी कोई काम करने लगो तो सोचो क्या सुन्नत के मुताबिक किया है. तो बार बार सोचने से और करने से आपके सारी रूटीन सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी और आपकी आदत अच्छी बन जाएगी. क्योंकि वही हम बेहतरीन जब बनते हैं जब हम बार बार चीज़ों को करते हैं. तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें.